स्वागत है आपका वीकली करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। पंकज आडवाणी, जिन्होंने हाल ही में अपना 28वां विश्व खिताब जीता, किस खेल से जुड़े हैं? ए बिलियर्ड्स, बी बैडमिंटन, सी क्रिकेट, डी टेनिस। आंसर ए बिलियर्ड्स। एक्सप्लेनेशन, अनुभवी भारतीय बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने 2024 विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती, नवंबर 2024 में अपना 28वां विश्व खिताब और अपनी लगातार 7वीं जीत हासिल की। अगला प्रश्न। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस प्रमुख भारतीय शिक्षाविद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आंसर बी मौलाना अबुल कलाम आजाद। एक्सप्लेनेशन, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उनका जन्म 11 नवंबर 1888 को हुआ था। वे 1947 से 1958 तक भारत के शिक्षा मंत्री रहे। साल 2008 से वैधानिक रूप से राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न। 2024 में 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 कहां आयोजित किया जा रहा है? ए टोक्यो जापान, बी न्यूयॉर्क USA, सी बाकू अजरबैजान, डी पेरिस फ्रांस। आंसर सी बाकू अजरबैजान। एक्सप्लेनेशन, 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन या COP29 11 नवंबर 2024 को बाकू अजरबैजान में शुरू हुआ। पर्यावरण से जुड़े इस कार्यक्रम में भारत समेत लगभग 200 देश हिस्सा ले रहे हैं। इसमें जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील देशों के लिए जलवायु वित्त का नया लक्ष्य तय करने पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अगला प्रश्न। 67वें ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नामांकित अनुष्का शंकर किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जानी जाती है? ए बांसुरी, बी वायलिन, सी तबला, डी सितार। आंसर डी सितार। एक्सप्लेनेशन, 67वें ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नामांकित होने वाली अनुष्का शंकर एक भारतीय संगीतकार और सितार वादक हैं। अनुष्का शंकर को उनके एल्बम चैप्टर 2 हाउ डार्क इट इज बिफोर डॉन के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट अचेंट एल्बम श्रेणी में नामांकित किया गया। अगला प्रश्न। वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद किन दो देशों के बीच बारी बारी से होता है? ए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया और जापान, सी भारत और ऑस्ट्रेलिया, डी भारत और रूस। आंसर सी भारत और ऑस्ट्रेलिया। एक्सप्लेनेशन, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित होने वाला वार्षिक सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद बारी बारी से दोनों देशों में होता है। साल 2024 में यह अभ्यास 8 से 21 नवंबर के बीच महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित किया गया। इससे पहले साल 2023 में यह अभ्यास ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास का मकसद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सैन्य सहयोग और सामरिक अंतर संचालन को बढ़ाना है। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में क्यों चुना गया? ए ये सर फ्रेडरिक बेंटिंग का जन्मदिन है, बी यह इंसुलिन की खोज का प्रतीक है, सी ये WHO की स्थापना तिथि है, डी यह IDF की स्थापना तिथि है। आंसर ए ये सर फ्रेडरिक बेंटिंग का जन्मदिन है। एक्सप्लेनेशन, ये तिथि सर फ्रेडरिक बेंटिंग के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए चुनी गई थी, जिन्होंने 1922 में चार्ल्स बेस्ट के साथ इंसुलिन की सह खोज की थी। इस खोज ने मधुमेह को एक घातक बीमारी से एक ऐसी बीमारी में बदल दिया जिसे अब नियंत्रित किया जा सकता है। अगला प्रश्न। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF का 43वां संस्करण कहां आयोजित किया जा रहा है? ए बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र बेंगलुरु, बी इंडिया एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा, सी प्रगति मैदान नई दिल्ली, डी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई। आंसर सी प्रगति मैदान नई दिल्ली। एक्सप्लेनेशन, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF का 43वां संस्करण नई दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया जा रहा है। यह मेला 14 से 27 नवंबर 2024 तक चलेगा। इस मेले में देश के सभी राज्यों के साथ साथ कुछ विदेशी देशों के स्टॉल भी शामिल हैं। इस मेले का विषय विकसित भारत एट 2047 है। अगला प्रश्न। हाल ही में मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ए नवाजुद्दीन सिद्दीकी, बी मनोज वाजपेयी, सी विक्रांत मैसी, डी पंकज त्रिपाठी। आंसर डी पंकज त्रिपाठी। एक्सप्लेनेशन, बॉलीवुड स्टार पंकज त्रिपाठी को हाल ही में मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है।
मध्य प्रदेश को अपने जीवंत वन्य जीवन और ऐतिहासिक स्थलों के लिए अक्सर भारत का दिल कहा जाता है। इस फैसले से राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रही सुखना झील किस शहर में है? ए जयपुर, बी चंडीगढ़, सी लखनऊ, डी नागपुर। आंसर बी चंडीगढ़। एक्सप्लेनेशन, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में हरियाणा की ओर सुखना वन्यजीव अभयारण्य के आसपास 1 किलोमीटर से 2.035 किलोमीटर तक के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन ESZ के रूप में सीमांकित करने की अधिसूचना जारी की है। ये चंडीगढ़ में स्थित एक कृत्रिम झील है। अगला प्रश्न, विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? ए गैंगटॉक, बी ईटानगर, सी लेह, डी श्रीनगर। आंसर सी लेह। एक्सप्लेनेशन, देश में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लेह लद्दाख में जल्द ही विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसके लिए लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल LAHDC लेह और आदित्य मेहता फाउंडेशन AMF के बीच एक समझौता ज्ञापन माओ पर हस्ताक्षर किए गए हैं।